सो गाइस आज हम ये इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस चैप्टर पढ़ेंगे। सो गाइस हम बस इसका 1 पेज पढ़ने वाला है, क्योंकि गाइस आप देखना आगे कि इसमें कितना बड़ा है ये पेज। सो गाइस पहले ये ऊपर का जो ये पैराग्राफ है पहले इसे रीड कर लेते हैं, फिर हम नीचे रीड करेंगे। ओके गाइस, A computer is a device that works with information. The information can be numbers, word, pictures, movie or sound. Computer information is also called data. Computers can process a huge amount of data very quickly. They also store and display the data. To work with a computer, we use external device called input-output device. These are also known as peripheral devices. So guys, मैं इसकी हिंदी में भी ट्रांसलेशन कर देती हूँ। जो कंप्यूटर होता है, जो डिवाइस, उसे इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, और इंफॉर्मेशन जो आती है वो नंबर के वर्ड में आती है। एंड पिक्चर, मूवीज़ और साउंड के लिए हमें उसे इंफॉर्मेशन देनी होती है। एंड कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इज़ आल्सो कॉल्ड डाटा। जो कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन होती है उसे कहते हैं हम डाटा। कंप्यूटर्स कैन प्रोसेस हग अमाउंट टू वेरी डेटा वेरी क्विकली। जो कंप्यूटर है वो प्रोसेस बहुत ही जल्दी करता है, बहुत ही बड़ा अमाउंट, और वो बहुत ही जल्दी कर देता है जो भी अमाउंट होता है। सो गाइज, अब हम इनपुट डिवाइस के बारे में बातें करेंगे, वो भी शॉर्ट में। हम थोड़ी सी रीडिंग करेंगे एंड गाइज तब मैं आपको एक्सप्लेन भी करती जाऊंगी इसके साथ साथ। इनपुट डिवाइस आर यूज टू प्रोवाइड इनपुट that can be understood by the computer such as raw. मतलब इसका मतलब है कि इनपुट डिवाइस है वो यूज़ करती है प्रोवाइड, दैट वो इनपुट करती है प्रोवाइड, ताकि जो आप उसे, मतलब पहले ये नहीं है, मतलब आप अगर उसे गलत इंफॉर्मेशन दोगे कंप्यूटर को तो वो नहीं कर पाएगा उस चीज़ को, जो भी आप कह रहे हो वो नहीं कर पाएगा। सो गाइज, आपको पहले इनपुट देना ज़रूरी होता है। इस पैराग्राफ में ये लिखा है। एंड गाइज यहाँ पर कुछ ये भी लिखा है कि जो इनपुट डिवाइसेस भी कुछ लिखी है, चलिए इनको भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। कि वो यहाँ पर कुछ कंप्यूटर है, इनपुट डिवाइस एंड कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन है। सो गाइज, इस इनपुट डिवाइस का तो हमें पूरा अच्छे से समझ में आ गया। बस इसमें क्या था, बस कुछ कंप्यूटर के बारे, जो इनपुट डिवाइस होते हैं वो सिर्फ थोड़ी सी होती हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक एंड टच स्क्रीन। सो गाइज, अब हम लाइट पेन के बारे में भी इंफॉर्मेशन कर लेते हैं इकट्ठा। तो गाइज यहाँ पर लिख रहा है लाइट पेन इज अ पॉइंटिंग डिवाइस सिमिलर टू रियल पेन। ये एक, यहाँ पर एक पिक्चर भी है, आपको दिख रही होगी। इसमें ये है हमारा लाइट पेन, एंड इसमें इसे, मतलब ये रियल पेन की तरह है। मतलब कोई भी मशीन हो, कोई भी, मतलब जैसे कंप्यूटर हो, उसके अंदर हम उस पेन से लिख सकते हैं कुछ भी। कोई पॉइंटिंग चीज़ हो, वो तो कोई स्क्रीन टच वाली तो नहीं होती कंप्यूटर में। सो इसीलिए आप कीबोर्ड का यूज़ करना थोड़ा हार्ड रहता है। तो इसके लिए एक लाइट पेन भी होता है, जिससे आप अपने कंप्यूटर में ये एक रियल पेन की तरह होता है। मतलब इससे आप पॉइंटिंग थिंग्स भी कर सकते हो। आपको ये सिलेक्ट करना है, इससे आप सिलेक्ट भी कर सकते हो कुछ भी जो मॉनिटर की स्क्रीन पे। एंड यहाँ पर आप पिक्चर्स भी ड्रॉ कर सकते हो इस पेन की यूज से। एंड यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन और लिखी हुई है, इस लाइन को भी थोड़ा रीड कर लेते हैं। तो यहाँ से करते हैं, व्हेन द टिप ऑफ द लाइट पेन इज मूव्ड ओवर द स्क्रीन एंड द पेन बटन प्रेस्ड, द पेन डिटेस्ट द स्क्रीन लोकेशन एंड सेंड द सिग्नल टू द CPU.